Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hello, this is your powerhouse Rohit Raut and you're watching me on Telly Chakka. If people are screaming like, you should be the winner or something like that. So I guess हम लोग वहीं पे जीत जाते हैं। मेरा गाना सुन के, एक चतुरनार सुन के अमित जी ने कहा था कि अगर किशोर जी आज यहाँ पे होते तो शायद आपको गले लगा लेते। फोकस ऑन योर वर्क एंड बी काम बिफोर योर परफॉर्मेंस, तो आप शायद ही बहुत कम गलतियाँ करेंगे। आज मेरे घर में रोटी भी उनके ही वजह से है, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सरजित शुक्ला, यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर। टुडे वी हैव विद अस द रनर ऑफ इंडियन आइडल 11, रोहित श्याम राउत। Welcome. Hi, thank you. You being runner-up, something undigestible for your fans and viewers. How's it feeling? Well, I'm feeling all okay and I'm very happy about all the decisions that have been made in Indian Idol Season 11. Plus, I guess winning, losing doesn't matter. If you have won the hearts of people and if people are screaming like, you should be the winner or something like that. So I guess हम लोग वहीं पे जीत जाते हैं। बहरहाल अगर बात करेंगे पूरी जर्नी की, तो फिर क्या कुछ ऐसे लम्हे थे जो आज भी आपको याद है और याद रहेंगे? बल बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जो हमेशा याद हैं और याद रहेंगे, जिनमें से सबसे प्यारा लम्हा मेरे लिए ये था कि जब अमित कुमार जी आए थे और किशोर कुमार वाला एपिसोड हुआ था, तो उस एपिसोड में मेरा गाना सुन के, एक चतुरनार सुन के अमित जी ने कहा था कि अगर किशोर जी आज यहाँ पे होते तो शायद आपको गले लगा लेते। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी और वो ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं जो मुझे याद रहेंगे। इसके अलावा ऐसे कुछ पल जहाँ आपने महसूस किया कि मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जो शायद मेरी जिंदगी बदल देगा? आई गेस ऑडिशन राउंड इज दैट मोमेंट, क्योंकि ऑडिशन राउंड में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो शायद आप आगे तक नहीं आते। सो ऑडिशन राउंड वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। और कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन में आप किन लोगों को पा रहे थे कि ये लोग कुछ टफ हैं और शायद इनके साथ कम्पीट करने में मुश्किल होगी? वेल, सारे ही कंटेस्टेंट्स जो टॉप 15 में सिलेक्ट हुए थे वो सारे ही टफ थे। इट्स जस्ट मैटर लाइक उस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है और उस दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आगे जाएगा और कौन किस पे भारी पड़ेगा। बट आई गेस इफ यू फोकस ऑन योर वर्क एंड बी काम बिफोर योर परफॉर्मेंस, तो आप शायद ही बहुत कम गलतियाँ करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत एंजाइटी में और बहुत प्रेशर में आके परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी तो गड़बड़ हो ही जाती है। बात करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड की, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपका कंसिस्टेंसी तो वाकई में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन साथ ही साथ अगर पूछेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा था, कब ऐसा एक पॉइंट था जब आपको लगा कि नाउ आई एम पिकिंग अप? द लास्ट 6 एपिसोड्स हैव बीन वेरी crucial and very great episodes for me in term of singer, because last ke 6 episodes mere sare hi performance bahut acche hue hain, sare performance mein mausam badal diya mila tha, uske baad 6 ke 6 episodes mein I was the highest vote getter, so I was damn happy about that. Jo aapke judges the, mentors the, wo logo ki ek apni presence ka ek vibe hota hai, to aapka experience kaisa raha un logo ke saath, starting from Nehal? She is one of the most humblest person I've ever seen, because she's superstar right now, she's big, and still hum logon ko kabhi ye mehsoos hi nahi hua ki hum log India ki number 1 female artist ke sath aaj kaam kar rahe hain ya fir unke samne hum log ga rahe hain. So it was a really surreal experience to work with Neha Kakkar. Well, he is the coolest guy I've ever seen. Because usually विशाल सर को हम लोगों ने जब टीवी पे देखा था तो हम लोगों को लगता था कि शायद बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत बहुत गुस्सा करते होंगे शायद, लेकिन जब हम लोग उनसे मिले, ही इज़ द कूलेस्ट गाय एवर मेट। सेट पे, ऑफ स्क्रीन हम लोग इतनी मस्ती करते रहते हैं, सर वहाँ पे आते हैं, सर हमारे साथ मस्ती करते रहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि विशाल सर के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग और इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, लेकिन आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। हिमेश सर इज लेजेंड, आई मीन आज मेरे घर में रोटी भी उनके ही वजह से है, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ के लिए। एक जेन्युइन गाय होता है ना, कि आप नो मैटर व्हाट आप उनसे कुछ भी पूछ लो, वो सिर्फ सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। सो हिमेश जी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या नहीं हुआ तो वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत
स्ट्रेट बता देते थे कि आपने आज अच्छा नहीं गाया, आपने आज अच्छा गाया, एंड ही विल ऑलवेज बी लाइक मोटिवेटिंग पीपल. मतलब ऐसा नहीं कि यार आपने कितना गंदा गाया, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, आपने अच्छा गाया लेकिन ये बहुत अच्छा हो सकता था. सो यू नो ही ऑलवेज चोज वर्ड्स वेरी वाइजली एंड दैट्स व्हाई वी लव हिम. अभी जस्ट एक बात बताई कि उनकी वजह से रोटी है घर में, मतलब क्या कुछ बैक स्टोरी क्या है इसकी? अरे बैक स्टोरी इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ फेमस डायलॉग ऑफ हिमेश जी जो हिमेश जी हर रियलिटी शोज में बोलते हैं. सो इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. आदित्य नारायण जो कि आपके इतने अजब गजब होस्ट रहे हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट उन्होंने दिया, उनके साथ में कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे? आई एम डैम प्राउड टू एसोसिएटेड विद आदित्य नारायण, बिकॉज आदित्य भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. मैंने बहुत साल पहले एक शो किया था, वहाँ पे भी आदित्य भैया एंकर थे, और यहाँ पे तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया. ही हैज़ दैट एनर्जी कि आप सुबह से लेकर शाम तक शूट करो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो बंदा कभी थकता ही नहीं है, वो हमेशा एनर्जी लेके आता है. और कई बार तो उनकी वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से हम लोगों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इतना पॉजिटिव वाइब वो क्रिएट कर देते हैं स्टेज पे कि जिसकी वजह से बहुत बहुत इजी होता है आपको परफॉर्म करना. बहुत बड़ी बज क्रिएट हो चुकी थी उनकी और नेहा कक्कड़ के बारे में, जो कि यू नो उनकी शादी होने वाली है, ये सब पूरा माहौल बन गया था, तो आप लोग उस वक्त कैसे महसूस कर रहे थे? वी वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई गेस इन इंडिया एंटरटेनमेंट इज all the thing you need, so there's only entertainment. kitna reality tha behal kiya gaya hai kai jagahon par, kai portals par, lekin fir bhi aapko kitna real lag raha tha wo, ya fir kitna fake? as I'm saying this, so I mean it and I'm with it, ke in India show only depends on entertainment. if people are getting entertained, they will love the show. the chemistry that you saw between Aditya Narayan and Neha Kakkar had to do with एंटरटेनमेंट प्लस वो इतने अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के कि उनकी केमिस्ट्री, आप मतलब दे परफॉर्म टुगेदर, दे डू शोज टुगेदर, सो आई नो फॉर श्योर दैट दे हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री. द मैसेज टू योर ऑडियंसेस एंड फैंस, आई वुड लव टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर वोटिंग मी, सो लविंग मी, एंड आई बी वेरी ऑनर्ड टू मीट एवरी वन ऑफ यू इन पर्सन एंड से थैंक यू. समथिंग दैट यू वुड लाइक टू रिवील? The next days, your projects? Well, next projects are still lining up. So, I'm not sure about that. But yeah, a few Bollywood projects are there, which I'm going to be singing and be part of that. Plus, we are doing a London tour and Canada tour in March. So, I'm excited for that. All right. So, that was Rohit Shyam Raut. This is Rajat Shukla signing off with camera person Amit Singh for Telechakkar.